बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 5 के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आपकी टीचर हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम सबक हमदर्दी में शामिल सवाल नंबर 2 करेंगे, जो कि जुमलों की तशरीह या वजाहत पर मुश्तमिल है। पहला जुमला है हमारे पास, नानी अम्मा बुखार में फुनक रही थीं। इसका मतलब है बीमारी की वजह से निढाल होना या बेचैनी महसूस करना। तशरीह, इस जुमले में नादरा की नानी अम्मा के बारे में बताया गया है कि वो बहुत बीमार थीं, उन्हें बहुत तेज़ बुखार था और उनका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, जैसा कि आम तौर पर बुखार में होता है कि एक इंसान बेचैनी और बेसुकूनी महसूस करता है। दूसरा जुमला है, चश्मे जदन में सारे काम सुलझ गए। जिसका मतलब है बहुत जल्द सारे कामों का अच्छे तरीके से हो जाना। तशरीह, इस जुमले से मुराद है कि तमाम बच्चियों ने सारे काम आपस में बांट लिए और अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके और ज़िम्मेदारी के साथ पूरा किया, और देखते ही देखते नादरा के घर के सारे काम अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गए। तीसरा जुमला है, काश ये जज्बा आम हो जाए। जिसका मतलब है ख्वाहिश पूरे होने की तमन्ना होना, प्यार व मोहब्बत का एहसास या दुख दर्द का एहसास आम होना। तशरीह, यहाँ जज्बे से मुराद हमदर्दी का जज्बा है। इस जुमले में ये ख्वाहिश जाहिर की गई है कि अगर हमदर्दी का जज्बा आम हो जाए तो आपस में प्यार व मोहब्बत और खुलूस बढ़ता रहे और तमाम माशरे में खुशी या राहत की लहर दौड़ जाए और तमाम माशरा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाता है। अब आप घर का काम नोट कर लें। सबक नंबर 5 के जुमलों की तशरीह नंबर 1, 2 और 3 याद करें और AR में मशक करें। सबक की अगली मशक के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।